आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन ग्रुप्स गलत मूल की एक्सरसाइज 7.2 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या करना है क्यूब ग्रुप निकालना है क्यूब ग्रुप निकालना है डिजिट्स का मतलब घनमूल फाइंड करना है घनमूल निकालना है ठीक है क्यूब ग्रुप फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दिया हुआ है 64 का जब क्यूब ग्रुप निकालेंगे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनफल विधि को प्रयोग में आना है अभाज्य गुणनफल या प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम लेंगे जिसे हम निकालते हैं उसे यहां पे प्लस में 4 आ रहा है दूसरी डिवाइड हो जाएगा दिस इज टू से डिवाइड बाय 2 3 जैसे 6 2 जा 4 फिर अगेन 2 से डिवाइड किया इसको 16 अगेन 2 से डिवाइड किया 8 देन 4 देन 2 अब हमारे पास फैक्टर कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 6 का हमारे यहां पे 2 आ रहा है हमें क्यूब रूट निकालने के लिए घनमूल निकालने के लिए ट्रिप्लेक्स करना है 3 3 के इनके जोड़े बनाने के लिए ठीक है ट्रिप्लेक्स करना है 3 के ट्रिप के जोड़े बनाने हैं तो ये कितने डिप्लेस वाले
निकालेंगे या फिर रूट्स निकालेंगे, वही मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी चलिए भाई अगेन टू से, फिर टू से जाएगा जब तक ये टू से जाता रहे, जब तक यहाँ पे इवन नंबर है सम संख्या तब तक ये टू से डिवाइड होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर टू पर तो हमारा आंसर क्या है, 1/50 का मान
नहीं होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि यू आर टोल्ड इन 1331 इसको हमको बताना है बिना मतलब बिना फैक्टराइज किए प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं निकालने के बाद फिर टेस्ट करके बताना है कि किसके डिजिट का क्यूब रूट है. ठीक है, किसका क्यूब है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जब भी हमें किसी डिजिट का क्यूब रूट बिना फैक्टराइज किए निकालना है क्या जाएगा टू. सीधी छोड़ दी
27, 4 का 2 क्या होता है 64, तो 4 तो जो है 32 से क्या हो जाएगा, बड़ी डिजिट हो जाएगी, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि 3 का 2 क्या होता है 27, तो यहां क्या आ जाएगा 3, इस तरह से क्या होगा 32 का क्यूब हो गया। इस तरह से हमें केवल 1 से लेकर 10 तक के क्यूब ध्यान में रखने और उसी के आधार पर बिना सॉल्व किए हम इसका आंसर निकालना है। आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है तो फिनिश हो चुकी है। अब आपको इसको अपनी नोटबुक में पूरा पूरे क्वेश्चंस करना है, इसके होमवर्क में दिए जो भी सारे करने हैं। थैंक यू।